चार धाम यात्रा की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह पूजा के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी लोगों के दर्शन के लिए यहां पर खोले जाएंगे। इससे पहले केदारनाथ के रक्षक भगवान भैरवनाथ के कपाट भी खोल दिए गए। हर साल केदारनाथ से पहले भैरवनाथ का कपाट खोला जाता है। काफी दिनों बाद ऐसा संयोग बना है जब अक्षय तृतीया को गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चौथे धाम भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हालांकि अब से दो दिन बाद यानी 11 मई को खोले जाएंगे। तो भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। आज अक्षय तृतीया है और इस खास तिथि पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं, लेकिन चार धाम यात्रा की भी शुरुआत होती है। गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट आज खोल दिए जाएंगे और आज से 11 मई आ रही है तब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और इससे पहले केदारनाथ के रक्षक भगवान भैरवनाथ के कपाट कल खोल दिए गए थे और इसी तरह का सिलसिला रहता है। हर साल केदारनाथ से पहले भैरवनाथ का कपाट खोला जाता है। हालांकि इस बार काफी खास है ये तिथि, क्योंकि पहली इस बार विशेषता यह है कि केदारनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री के भी आज ही कपाट खोले जाएंगे। तो ये खास संयोग बना है जब अक्षय तृतीया को भगवान केदारनाथ के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुल रहे हैं। चार धाम यात्रा की तो शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि कुदरत का अलर्ट यहां पर जारी है। कल चमोली और पिथौरागढ़ में जब बादल फटा उसके बाद जो हमने तस्वीरें देखी, हरेंद्र नेगी है हमारे साथ इस खबर पर। हरेंद्र, ये बताइए कि चार धाम यात्रा की अब शुरुआत हो गई है, भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, आज गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खुल जाएंगे, दो दिन बाद भगवान बद्रीनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे, यानी कि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि हर साल दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे हम तस्वीर देखते हैं वो तस्वीर बदल जाती है। कल चमोली में जब बादल फटा उसके बाद जाहिर सी बात है वहां की सड़क व्यवस्था और तमाम जो चीजें हैं उन पर फर्क पड़ा होगा। तो अब कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है चार भगवान केदारनाथ, ग्यारह ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और कल शाम तक पहुंच गए थे और अभी भी लगातार यात्रा शुरू हो रही है। तो आज जो कपाटोत्सव उद्घाटन वो यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर सी के पाल थे और भारतीय जनता पार्टी के और बड़ा केदारनाथ के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब व्यवस्थाओं की बात करूँ तो ज्यादातर व्यवस्थाएं कल कुछ राहों में कुछ गाँव में जरूर देखी गई थी, चलिए हरेंद्र शुक्रिया, आपकी आवाज ठीक तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और अक्षय तृतीया के इस पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री वहां के भी कपाट खोल दिए जाएंगे आज ही, और उसके बाद 11 तारीख को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट।